अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटा, ड्यू टू कोविड आज हमें ऑनलाइन लेक्चर करना पड़ गया है, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ ली हुई थी ये, ठीक है, लेकिन आज हम इनको थोड़ा थोड़ा जो है इनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पांचों पीरियडिसिटी में जो आपके पांच पॉइंट्स हैं मेजर, ठीक है, उनको आज हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। जैसा कि हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि हमें ये पता है एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है और एटम की कोई फिक्स बाउंड्री होती नहीं है, इस वजह से हम उसका जो फिक्स साइज या उसका जो प्रॉपर साइज है वो हमें नहीं पता होता। सो इस वजह से हम एटम के साइज को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नो डिफाइंड बाउंड्रीज। वो इसलिए डिफाइंड बाउंड्रीज क्यों नहीं होती, क्योंकि किसी एटम के ऊपर एक शेल होता है, किसी के ऊपर दो होते हैं, किसी के ऊपर तीन और किसी के ऊपर चार शेल होते हैं। इन शेल्स की वजह से एटम के साइज को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। सो जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं एटम के साइज को मेजर करने के लिए, तो उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सफ़ियर हैं। और आपको ये अब पता है कि जितनी भी सफ़ियर चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्री जो है हो, तो फिर हम उसका साइज़ जो है निकाल सकते हैं। अब जो भी हमारे पास एटम सफ़ियर होगा हम उसका रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। रेडियस फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास दो एटम्स हों और वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हों, जब वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब उनके दोनों, अगर आप यहाँ पर फोटो में गौर से देखें तो यहाँ पर दो एटम्स उसने आपको एग्जाम्पल दी है कार्बन की, और यहाँ पर कार्बन के दोनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दरमियान वाला पॉइंट। अब यहाँ पर ये ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे दोनों स्फीयर्स के दरमियान, ये बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस। अब अगर हम इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करें तो वो बनता है 154 PM। इसको हम डोनेट करते हैं 2R के साथ, लेकिन चूंकि हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस हमेशा एक एटम का रेडियस होता है, तो आप इस 2R का जब हाफ करेंगे तो आपको एक एटम का रेडियस मिलेगा, हाफ रेडियस, जिसे कार्बन एटम की रीडिंग आती है 77 PM। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। जब भी दो एटम आपस में जुड़े हों, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो उनमें से न्यूक्लियस का जो हाफ डिस्टेंस है जहां से वो अपनी मेन बाउंड्री को टच करता है उसे हम कहते हैं कि वो एटॉमिक रेडियस है। अगर दो कार्बन की बात करें उसके एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसका रेडियस 2R इज इक्वल टू 154 PM। If we talk about half radius, it will be 77 PM। अगर हम अपने periodic table के हवाले से बात करें तो जब हम left से right की तरफ जाते हैं तो atomic number जो है वो increase होता है, लेकिन atom का जो size है वो decrease होता है gradually। इसका हमने पहले भी पढ़ा था क्यों होता है। जब भी एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इन नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, अब आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ेंगे, तो जब ये बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस क्रिएट करता है। उन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस की वजह से आपके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको वो अपनी तरफ खींचता है। जब वो न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचता है तो आपके एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता है। अब ये इस पेज पर आप देखें तो आपको वो मुख्तलिफ किस्म के
जो है एटम्स का रेडियस बता रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो लिथियम हमारे पीरियोडिक टेबल का थर्ड जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 है, और अगर आप इसी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के एंड वाले नियॉन को देखें उसका एटॉमिक नंबर 10 है लेकिन उसका जो रेडियस है वो 69 है। वो इसलिए क्योंकि जब एडिशन हो जाती है बहुत सारे प्रोटॉन्स की तो अब इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर आपको पता है कि ऐड होते जाएंगे वैलेंस शेल्स में। अब शेल आपके ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, अगर शेल आपके ज़्यादा होते हों तो कभी भी आपका एटॉमिक रेडियस कम ना हो, शेल अब सेम रहते हैं तो उन शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो फोर्सेस बनाता है और न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है उन शेल्स को, इससे फिर क्या होता है एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है। ये बात थी पीरियड्स के बेसिस पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम ग्रुप की बेस पे बात करें तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल की सूरत में ऐड होते हैं। जैसे हमारा जो पहले दो पीरियड है उसमें के शेल आता है, फिर एल एम आता है और फिर एम एन शेल जो हैं आपके नीचे वाले पीरियड्स में आते हैं। तो जब भी हम ग्रुप वाइज इनको स्टडी करेंगे तो हमेशा एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि आपके शेल्स भी इनक्रीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक था इसका वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमने पहले भी स्टडी किया है, आज एक दफा रिवीजन के तौर पर इसको दोबारा हम स्टडी कर लेते हैं। अब हमारे जो एटम्स हैं उनके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर शेल में जो हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। कहना वो ये चाह रहा है कि ये जो दरमियान वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे के में और एल में, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपके आउटर मोस्ट शेल होते हैं एम और एन, उनके उन वो जो न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट करते हैं वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये उनका न्यूक्लियर चार्ज कम कर देते हैं ताकि अट्रैक्शन कम हो। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस, कि जो आपके एम या एन शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उन की अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ कम होगी एज कंपेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज। तो अब जो भी आपके वैलेंस शेल्स हैं जैसे एम या एन, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं देन एक्चुअल चार्ज, विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको हम कहते हैं कि ये अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जब भी आपके आउटर शेल्स के या वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज कम फील करते हैं तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो डेफिनेशन होगी शील्डिंग इफेक्ट की वो ये है, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहा है कि जो के या एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं या होते मौजूद होते हैं वो शील्ड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ताकि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको फील ना कर पाए, प्रॉपर अट्रैक्शन ना हो सके। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट जो अब हमने स्टडी करना है वो इसको ऑन शील्डिंग इफेक्ट को स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे आपके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो उसमें हमें ये भी पता है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। इस इंक्रीज की वजह से आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि अब आपको ये पता है कि जब हम ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में वेरी करता है। अगर हम पीरियड वाइज बात करें तो एक का फर्क पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन का एक है, नेक्स्ट आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में होगा हीलियम उसका दो है,
फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, तो यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर में सिर्फ एक पॉइंट का फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ग्रुप वाइज बात करें तो ये फर्क ज्यादा हो जाता है। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है कि पोटाशियम और सोडियम ऑलमोस्ट एक ही ग्रुप में होते हैं, ठीक है, तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इस वजह से पोटाशियम के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है देन डेट ऑफ सोडियम मेटल। और अगर हम पीरियड की बात करें तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एटॉमिक नंबर में एक पॉइंट का जो है वो फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, आप देखें कि पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि पोटाशियम के जो ऊपर वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आउटर शेल में चले जाएंगे। तो जब वो आउटर शेल में चले जाएंगे तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आज के लिए बस ये दो टॉपिक, ठीक है, इनकी रिवीजन। नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपके नेक्स्ट जो तीनों पॉइंट्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसको हम कवर कर लें और फिर हम आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें से मैंने आपको वर्कशीट जो आज मिलेगी उसमें से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। कुछ आपके चैप्टर के पहले हिस्से से भी हैं, ठीक है, और ये रिपीट करने का मकसद ये है ताकि आप इसको अच्छी तरह एक दफ़ा समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच।